can't tell me what you do. All these brothers, my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why do you wanna move like that? Where you want to go? कैसे आप सब लहंगे की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे आप सब लोग, और मैं बहुत दिन के पास अपनी कोई न्यू रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ न्यू लेके आ रही, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज कीमा। और ये किससे बनता है? ये बनता है सोयाबीन से, सोयाबीन का चूरा। आप चाहो तो आप सोयाबीन भी लेके और उसको बॉयल करके उसको मिक्सी में पीस सकते हो, तब ऐसा हो जाएगा। और अगर आपका सब वो मिलता है इसका पाउडर, तो वो भी बहुत अच्छा है। सो मैंने ले लिया ये 1.5 कप कीमे का पाउडर, मीन्स सोया चाप, सोया जंक्स का। और मेन बात क्या है ना कि जैसे कि हम लोग कोई नॉनवेज खाता है, कोई नॉनवेज नहीं खाता, तो होता है कि भाई हम लोग भी कीमा खाते, तो ये सिर्फ वेज कीमा, मतलब हम लोग नॉनवेज कीमा खाते, तो ये सिर्फ वेज कीमा है। जिस दिन नॉनवेज खाने का ज़्यादा मन हो और नॉनवेज आप नहीं खा पा रहे, तो आप बना सकते हैं ये डिश। सो आपको बहुत ही पसंद आएगी, अगर मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए जैसे मैं बना रही हूँ, और आपको मेरा स्टाइल भी अच्छा लगे। अगर आपको मेरा ये स्टाइल अच्छा लगता है, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इतना मुझे कितना प्यार दीजिए और प्यारा से हमें कमेंट भी कीजिए। सो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट करके फटाफट से रेसिपी चेक करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में पानी रख गया था बॉईल होने के लिए, तो पहले हमें सोयाबीन का चूरे को हमें बॉईल करना, सोया जंक को। तो अभी मैं इसको पहले डाल देती हूँ, मैंने 1.5 कप लिया है, तो अब बस मैं पानी में बॉईल आ गया था तो मैंने ये डाल दिया। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब हम इसको बॉईल करें तो ये क्योंकि बहुत फिक्का फिक्का होता है, तो हमें इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल देना चाहिए, अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हो, क्योंकि पानी निकलना है ये। तो उसके बाद नमक डाल दिया, बस इसको ज़्यादा नहीं उबालना हमने, बस जैसे ये बॉईल आ चुका है अब इसको 2 सेकंड के लिए पकाएंगे और उसको बंद कर देंगे। तो ये हो चुका है मेरा बॉईल, सिर्फ मैंने इसको 2 सेकंड के लिए ही उबाला, क्योंकि ये पाउडर होता जल्दी गल जाता है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट कर इसको गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद कर दिया मैंने, बस अब इसको छन्नी में हमने छानना है, तो अभी मैं इसको छान लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई का फटाफट से पहले इसको छान लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो मैंने ये छान लिया है, जो कढ़ाई में बचा हुआ कीमा है ये भी निकाल लेती हूँ, इसमें निकाल लिया है मैंने सारा। और अब हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसमें बची हुई जो गर्म पानी से ज़्यादा कुक ना होगी, तो ज़्यादा कुक होकर तो ज़्यादा गल जाएगा और फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल घुला हुआ भी नहीं चाहिए, थोड़ा दानेदार चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा चूरा नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सोयाबीन जो आती है बड़ी बड़ी आती है सोयाबीन की बढ़िया, उसको गर्म पानी में बॉईल करके सेम इसी स्टाइल से नमक डाल के इसको आप थोड़ी देर के लिए मिक्सी में रख के ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर वो उससे क्या होता है ना, वो ज़्यादा पाउडर होता है, पर वो भी चलेगा। तो हमारा ये हो चुका है डन। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए मैंने इसको फटाफट ठंडे पानी में धो के, और जैसे कि मैंने इसको ऐसे करके हल्के हल्के हाथ से सारा पानी निकाल देना है, ऐसे ऐसे करके, जिससे कि इसमें सारा पानी निकल जाएगा, तो ये उसके अंदर मसाले का फ्लेवर आराम से जाएगा। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे डायरेक्टली पकाएंगे, तो जो भी मसाला हम इसमें डालेंगे, फ्लेवर्स डालेंगे मसालों के, उसका टेस्ट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पहले से ऑलरेडी पानी होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको फटाफट से ऐसे करके अच्छे से सारा पानी निकाल देती हूँ, जिससे कि मैं जो भी मसाले अपना घी तेल जो भी डालूँ इसमें, उसका फ्लेवर इसमें अच्छा से आना चाहिए। इसके लिए मैं इसको निचोड़ के इसमें अच्छे से पानी निकाल लूँ, और जब ये फूलती है ना तो अपने साइज से डबल हो जाती है, तो आप उस हिसाब से करना जिस हिसाब से आपको हो। तो हम लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने 1.5 कप लिया है। अगर आप 2 जने हो तो आप 1 कप से भी काम चलेगा, बाकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो फाइनली हो चुका है हमारा ये भी डन। इसे आप देख सकते हो बिल्कुल ड्राई हो गया ये, और अब इसको रख देते हैं, बाकी के प्रिपरेशन रेडी करते हैं। सो मैंने इसमें डाल दी है लौंग, दालचीनी, और ये है 4-5 काली मिर्च, और एक ये वाला लीव, और इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, आधे चम्मच से भी कम, ठीक है गाइस। सो अभी हम तेल अच्छे से गर्म हो चुका, जीरा भी भून जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 2 प्याज ली थी बड़े साइज की, उनको मैंने बारीक चॉप कर ली, 2 बड़ी प्याज को लेके मैंने बारीक चॉप कर लिया। आप चाहो तो मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हो, पर मुझे इसको फ्राई करना ज़्यादा ऐसे अच्छा लगता है इस कीमे में।
तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं कि क्या आ जा रही है। और इसको हमें बराबर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अच्छे से तो ये गोल्डन ब्राउन नहीं होती तब तक हमें इसको फ्राई करना है, एकदम मतलब जलाना भी नहीं है, बस डार्क गोल्डन ब्राउन करना है हमें प्याज को। तो थोड़े फटाफट प्याज, और जब तक मैं चॉप कर लेती हूँ ये दो मीडियम साइज के टमाटर। आप चाहो तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो, पर मैं इसको बारीक चॉप करूंगी क्योंकि मुझे बारीक चॉप करना ज्यादा पसंद है। और यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया, ये मेरे छोटे से मेजबान है, मैं ऐसे कूटती हूँ। आप चाहो तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर मुझे ऐसे कूटने से फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है, इसके लिए मैं कूटती ज्यादा हूँ। तो फटाफट से प्याज हो गोल्डन ब्राउन, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन करनी है, मैं दिखाती रहूंगी आपको बीच बीच में। मतलब फोन चालू ही है, आप देखते रहना कि कितना मैं इसको गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ प्याज को। अभी तो ये अच्छे से हो जाए पहले, जब तक हम टमाटर चॉप कर लेते हैं। तो देखिए इतना गोल्डन हो चुका है, पर ये भी कम है क्योंकि हमें एकदम डार्क गोल्डन चाहिए प्याज। तो ये भी इतनी गोल्डन हो चुकी है, पर ये इससे काम नहीं चलेगा, अभी थोड़ा सा और गोल्डन करना पड़ेगा। मैंने अपने टमाटर भी चॉप कर लिए हैं, लहसुन का पेस्ट भी रेडी है। सो फटाफट से ये हो, और गाइस सीरियसली गाइस बिलीव मी, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल से आपको 20। सो गाइस देख सकते हैं अच्छे से, मतलब जली नहीं है बट डार्क गोल्डन ब्राउन हो गई है, और हमें इसको इसी मुकाम तक गोल्डन करना था। सो ये हो चुकी है, अब हम इसे बिना टाइम वेस्ट करके फटाफट टमाटर डाल देंगे, और ये टमाटर गले चुके। और टमाटर डालते ही सबसे पहली चीज करनी है जो हमने इसमें डालना है सॉल्ट, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। सो बस टमाटर गले फटाफट से, फिर बाकी के सारे मसाले प्रिपरेशन कर डालेंगे हम इसमें। अभी मैंने इसमें नमक और टमाटर डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा लेट डालेंगे। तो गाइस हमारे टमाटर ने भी पूरा पानी लीव कर दिया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं, पूरा तेल ऊपर आ चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। नमक मिर्च मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, आप अपने स्वाद के अनुसार डालना, क्योंकि सोया जो ये बीन्स है, मतलब सोया जो है ये नमक मसाले ज्यादा पीता है, अंदर ज्यादा वो करता है हल्दी। नमक तो हमने इसमें पहले ही डाल दिया था, 2 चम्मच कम, और सबसे ज्यादा होना चाहिए धनिया पाउडर सबसे ज्यादा होना चाहिए। गरम मसाला मैंने अभी डाला नहीं है, वो बाद में डालूंगी। सो अब इसमें डाल देते हैं हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया था, कूटा था मीन्स, आप चाहो तो चॉप करके भी डाल सकते हो, पर मुझे पीस के ज्यादा टेस्ट लगता है तो मैं इसलिए इसमें डालती हूँ। और अभी इसी में डाल के थोड़ा सा पानी घुमा के इसमें डाल देते हैं, जिससे कि मसाले लगे ना। सीरियसली गाइस बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और अगर आप चाहो तो आप इसमें, अगर आपका मन है तो डालना सही काली मिर्च लौंग वगैरह, अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते, खाली जीरा डाल के प्याज को अच्छे से डार्क ब्राउन तक फ्राई करना है। उसके बाद टमाटर बारीक चॉप करके डालना है, अगर आपको लगता है कि चॉप नहीं करना तो आप मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमें इसको अच्छे से भूनना है, जितने अच्छे से मसाला भुनेगा उतने ही अच्छे से टेस्ट आएगा गाइस। और सबसे जरूरी चीज है जो कि है इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कोई भी सब्जी बनाओ भले आप चुटकी वाली डालो, और थोड़ा सा ये अमचूर पाउडर। अब हमने इसमें काला नमक और अमचूर डाल दिया, अब इसको हम अच्छे से फ्राई करना है, जब तक मसाले हमारे अच्छे से पके ना तब तक इसको धीमी आंच से फ्राई करना है, धीमी आंच में फ्राई करना है गाइस, तेज आंच से बिल्कुल नहीं तो मसाला जल सकता है और फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। आप चाहो तो इस टाइम इसमें वो भी डाल सकते हो मटर, पर मेरे पास मटर यहाँ पे अभी थे नहीं, इसके लिए मैंने वो कर दिया। पर अगर आपके पास मटर है घर में तो आप मटर भी डाल सकते हो, अगर मटर नहीं है तो आपका ये कीमा ऐसे भी बहुत टेस्टी बनेगा, और बॉम्बे में तो बहुत ही फेमस है ये वेज कीमा, और इसको पाव के संग खाते हैं मोस्टली, इसको पाव के संग खाते हैं, जो हम पाव भाजी के संग पाव खाते हैं उसके संग खाते हैं, पर हम इसको चपाती के संग खाएंगे क्योंकि रात को पाव खाना इज नॉट गुड। तो फटाफट मसाला भुने उसके बाद देखते कैसे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मसाला जितना भुनेगा सब्जी उतनी ही लाजवाब और टेस्टी बनेगी।
सो अभी हमने इसमें गरम मसाला नहीं डाला, वो हम लास्ट में डालेंगे इसमें। सो मसाले को धीमी आँच पे बस आराम से 15 मिनट पकाओ धीमी आँच पे, तेज आँच पे बिल्कुल नहीं, जैसे कि मसाला पूरा टमाटर प्याज लहसुन बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए, अलग अलग सा नहीं दिखना चाहिए। सो अभी थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है इसमें मेरे को, शायद दूर से नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, तो मेरे को दिख रहा, मतलब आप चाहो तो 15 मिनट पर उसको धीमी आँच पे पकाना ही पकाना है, क्योंकि आप चाहो तो ऐसे भी डालो पर वो टेस्ट नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें टेस्ट का भी पूरा ध्यान रखना है। तो फटाफट से मसाले को भूने उसके बाद दिखाते हैं। और अभी इसी टाइम में हम इसमें थोड़ी सी डाल देते कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का भी एक अलग ही टेस्ट है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में और खुशबू बहुत अच्छी आती है। सो मैंने थोड़ी सी इसमें डाल दी है, आप चाहो तो इस टाइम इसमें दही भी डाल सकते हो, पर मैं दही नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने अमचूर डाल दिया है, तो फिर दही से ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसके लिए हमें उतना ही चाहिए जितना हमें नीड है, तो मैंने अमचूर डाला, इसके लिए मैं दही नहीं डालूंगी। आप चाहो तो इसमें दही फेंट के भी इसमें डाल सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप, हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है जैसा हमें चाहिए था, आराम से भुन गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब इसमें हम डालते हैं अपना कीमा, डाल दिया है हमने अपना कीमा इसमें, और इसको अच्छे से मिला के इसको भी हमें 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकाना है, पर उससे पहले हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है, मिक्स करना है इसमें, जिससे कि सारा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और ये पानी छोड़े। हमने इसको अच्छे से मिला लिया है, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है और टेस्टी भी है, होगा ही, अभी तक टेस्ट नहीं किया पर मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है क्योंकि मैंने ये रेसिपी बहुत बार बनाई है, और मैंने इस कीमे के मैंने वो भी बनाए हुए कबाब भी बनाए हुए, सोया चाप कबाब भी बनाए हुए मैंने इसके, सोया इसके, और इसके मैंने वो कबाब बनाते ना लोग कोफ्ते भी बनाए मैंने इसके, पर बहुत ही यम लगता है सीरियसली गाइस, आप ज़रूर टेस्ट करना, और मैं पूरे अच्छे से बताऊंगी इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर इतना पता है सोयाबीन का चूरा होता है, पर कोई इसका नाम जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा, कैसे बोलते क्या है, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं न्यूट्रिला बोलते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग को आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं, मैं तो सोयाबीन का चूरा ही बोलती हूँ, पर इसका नाम कुछ और भी है, इसको न्यूट्रिला या तो न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसी भी इसको बोलते हैं, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है। सो ये हो चुका है अच्छे से, और अभी हमें इसको धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए रखना है, तो सिर्फ पूरा फुल धीमी आंच कर देंगे हम इसमें कि बिल्कुल भी लगे ना, और जो भी हमने सारा फ्लेवर डाला है ये सब इसके अंदर अच्छे से मसाले अब्सॉर्ब हो जाए और टेस्ट आए, तो इसको हम ढक देंगे जिससे कि अच्छे से टेस्ट आ जाए और आराम से इसका पूरा फ्लेवर अंदर तक जाए, उड़े ना कुछ धुएं में, और ये भी तेल छोड़ दे। तो कुछ इस प्रकार से हुआ है हमारे कीमे का टेक्सचर, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसे अभी भी कंप्लीट करना है हमने। सो इसमें डाल देते हैं, ये मैंने 3 हरी मिर्च ली थी और एक टुकड़ा इंच अदरक कर लिया था, तो मैंने लंबा चॉप कर लिया था, सॉरी गिर गया। सो अभी इसको फटाफट से इसमें मिला देते हैं और उसको फिर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं इसके, और इसको कोई ज़रूरी नहीं है डालना है, पर जो हम इसको ऐसे डालते हैं ना, इसका एक फ्लेवर, इसका एक टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, और सबसे अच्छी तो इसकी खुशबू होती है, सीरियसली गाइस एक बार जरूर करना। और अभी इसको 10 मिनट के लिए कोई ढक के रख देते हैं पकने के। सो गाइस हमारा कीमा अच्छे से भून चुका है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है, लाजवाब खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ आधा गिलास पानी, अगर आपको डालना है हल्की ग्रेवी चाहिए तो डालिए, अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे कि हल्का सा हल्की सी वो हो जाए, मीन आधा गिलास जितना पानी डाला है, और इसमें एक हल्का सा थोड़ा 5 मिनट पकाने के बाद बस हो गया हमारा कीमा रेडी। थोड़ा सा और डाल देते पानी, बस इसको 5 मिनट पकाना है, उसके हल्का सा बॉयल जैसा आने लग जाए उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी होगा।
जैसे हर बार की जैसे क्योंकि मैं तो हर बार ही बनाती हूँ कुछ अलग अलग। इस बार मैंने काफ़ी टाइम के बाद कुछ अलग रेसिपी बनाई है, तो जो भी बनाती हूँ आप लोग के साथ जरूर शेयर करती। और इधर मैंने किटो के लिए फिर दोबारा से बना लिया आमलेट और पराठी, क्योंकि कल फिर गुरुवार लग जाएगा, फिर शुक्र लग जाएगा, फिर शनि लग जाएगा ना। गुरु को नहीं खाते, शुक्र को नहीं खाते, शनि को नहीं खाते, संडे को खिलाती हूँ, मंडे को खिलाती हूँ, फिर ट्यूसडे नहीं खाते, फिर बुधवार को खाती है, फिर गुरुवार शुक्रवार हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग मैं मान लक्ष्मी के और विष्णु भगवान के व्रत रखती हूँ जैसे कि मैं आप लोग को बताई है, तो इसके लिए हम लोग नहीं खाते, मंगलवार को भी नहीं खाते, शनिवार को भी नॉनवेज अंडा नहीं खाते। इसके दो तीन दिन होते तो मैं किट्टू को डेली अंडा खिलाती हूँ, दो या तीन दिन बस। फाइनली गाइस हमारी हो चुकी है सब्जी एकदम डन, और अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे एक चम्मच भर के देसी घी। आप चाहो तो आप इसमें इस टाइम पे बटर भी डाल सकते हो। सो मैंने डाल दिया है देसी घी, और अब गैस को करेंगे हम लोग बंद, और देसी घी को मतलब मिक्स नहीं करेंगे, खाली ऐसे छोड़ देंगे, और उसके बाद हम सब्जी में ढक्कन लगा देंगे। सो आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छा टेक्सचर आया है सब्जी का, एकदम लाजवाब। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी आपको और ये रेसिपी, प्लीज ट्राई। गाइस मैंने अपने कीमे में डाल दिया है देसी घी, और अब इसको मैं बंद करके रख रही हूँ, इसी के अंदर ये रच जाएगा। तो मैंने गैस ही नहीं बंद करी, बस अब इसको मैंने गैस बंद कर दिया बिल्कुल। अब इसको ऐसे छोड़ दो, जब खाओगे तब सर्व करेंगे और जरूर बताएंगे कि कैसा बना, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। गाइस आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए। गाइस सो फाइनली आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे बनाई सब्जी। सो और इसका नाम मुझे बताना जरूर कि क्या है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। हम लोग तो इसको सोयाबीन का चूरा भी बोलते हैं, और इसको या तो न्यूट्रीला या तो न्यूट्रीन्स या न्यूट्रीला कुछ ऐसे उसका नाम है जो हम लोग देहरादून में बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। सो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और आप लोग प्लीज, मैंने काफी दिन के बाद रेसिपी डाली है, सो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और भी अच्छी अच्छी न्यू रेसिपी लेके आऊंगी, क्योंकि अब मेरी तबीयत हो चुकी है एकदम परफेक्ट। और अभी किट्टू का बर्थडे भी है, आज है 14 तारीख है शायद से, 15 तारीख है, तो 23 को मेरी बेटी का बर्थडे भी है। सो इंजॉय करेंगे, बहुत सारी मस्ती भी करेंगे, आपको भी दिखाएंगे साथ में। सो गाइज अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पैंट करने जा रही हूँ, ब्लॉग का बोरी सॉरी इस रेसिपी का यहीं पैंट करने जा रही हूँ। सो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के संग कल परसों में। सो जब तक, और अगर आपको किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि हमें इस चीज़ की रेसिपी देखनी है, या जो भी आपको पसंद है छोले कुलिये वो जो भी एवरीथिंग एंड ऑल, मेरे को सब कुछ बनाना आता है, मैं हूँ एक परफेक्ट लड़की। सो अगर आप लोग को जो भी किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजना कि हमें इस चीज़ की रेसिपी चाहिए। सो अब मैं इस वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू रेसिपी के संग, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ अगे, जय माता दी, लव यू, बाय।